रेल विभाग यात्रियों की सुविधाओं के लिए जल्द ही नॉर्दर्न एरिया में दो लंबी दूरी की रेलगाड़ियां चलाने जा रहा है, जिससे सैकड़ों यात्रियों को आने जाने में फायदा होगा। अम्बाला रेलवे स्टेशन के स्टेशन मैनेजर का कहना है कि गाड़ियां चलाने से पहले स्टेशन को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के साथ आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। इस बारे में अम्बाला रेलवे स्टेशन के निदेशक BS गिल का कहना है कि सरकार ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहां पूरे देश में 12 सितंबर से 80 ट्रेनों का आवागमन शुरू करने की घोषणा की है। इससे पहले देश के यात्रियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। उनका कहना है कि साथ ही उनके नॉर्दर्न जोन में केवल 2 ट्रेनों को चलाया जा रहा था, जिससे इस रूट पर आने वाले कई प्रदेशों के यात्रियों और व्यापारियों को सुविधा मिल सके। उनका कहना है कि इससे पूर्व पूरे स्टेशन को सैनिटाइज कराया जाएगा और आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच भी कराई जाएगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहाँ जब यात्रा कर रहे यात्री से इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि कम ट्रेनें चलने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दूसरे बसें भी कम चल रही हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए ट्रेनें चलाई जाएं, ताकि जो नौकरी पैसा लोग हैं जिनको हर रोज आना जाना पड़ता है, दूसरे जिन बच्चों को एग्जाम देने के लिए इधर उधर जाना है, वो आसानी से आ जा सके। अगर ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी तो स्टेशन के बाहर भी भीड़ कम होगी और सरकार को भी इससे इनकम होगी। उन्होंने कहा कि अगर रेलवे ज़्यादा ट्रेनें चलाती है तो इसका फायदा यात्रियों को भी होगा। सरकार ने जो ये 80 ट्रेनें 12 तारीख से चलाने की घोषणा करी है, तो सिर्फ नॉर्थ जोन के अंदर ये सिर्फ 2 ट्रेनें चल रही हैं, तो इस ट्रेनों से मतलब जो व्यापारी और यात्रियों को बेनिफिट होता नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए कम से कम 10 ट्रेनें चलानी चाहिए, ताकि यात्रियों और व्यापारियों को सुविधा हो सके। तो इसके लिए मैं अपनी विकास उन्नत ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी अम्बाला की तरफ से एक जायज़ मांग रखता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें कम से कम 10 ट्रेनें चलाने का प्रावधान करें। हालांकि ये 2 ट्रेनें चल रही हैं अमृतसर से डिब्रूगढ़ और डिब्रूगढ़ से अमृतसर, तो इसके अंदर से मतलब कि अपना ये जैसे सहारनपुर है, यमुनानगर है, इन व्यापारी और यात्रियों को फायदा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से कि जो ये प्रवासी मजदूर हैं उनको बिहार से UP आने के लिए जाने के लिए सबको, तो ज़्यादा ट्रेनों की जरूरत है, ताकि ये अपना रोज़गार प्राप्त कर सके और बिजनेस भी चल सके और सारा ही देश का सिस्टम चल सके। तो ये ज़्यादा ट्रेनें होंगी तो इसके अंदर से सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी और भीड़ भी कम लगेगी। तो यही ये डिमांड करते हैं, कम से कम नॉर्थ जोन के अंदर 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी। सर दिक्कत तो ये आ रही है कि ट्रैवल में प्रॉब्लम आ रही है सर, बसें ज़्यादा भी नहीं चल रही, लोगों को ही जाना है, किसी की इमरजेंसी प्लान कैंसिल करने पड़ रहे हैं, एंड दैट इज़ एन ओवरऑल प्रॉब्लम। और फिर मतलब स्टेशनों के बाहर भी भीड़ लगी जा रही है, तो फ़ायदा नहीं है। अगर चलानी है तो थोड़ी और चलाए ताकि सुविधा हो जाए, तो यही है सर। सर कुछ ना कुछ तो सीधा हो गए, मतलब अगर 12 से पहले भी चलाएं तो भी बेटर है, लेकिन अगर 12 के बाद भी चला रहे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कम होंगी। अब जो लोग अटके हुए हैं कहीं, उनको अपने घर जाना है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रेन चल रही है तो लोग ज़्यादा पहुँचेंगे, जल्दी जाएंगे, और इकोनॉमी खोलने का टाइम है। बंद करके तो फ़ायदा नहीं, बहुत देख लिया हमने, हम लोग तो पीछे जाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप खोलोगे तो ट्रैवल पड़ेगा, नौकरियाँ लगेंगी, लोग जा रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्वियसली ज़्यादा जरूर पड़ेगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज है, युवराज। जो नई गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं उसमें से अम्बाला से पास करने के लिए हमें एक दिल्ली ट्रेन मिल रही है जो 3307-3308 है, और जो कि और एक गाड़ी जो वीकली है अमृतसर डिब्रूगढ़ 059-33-34, ये अमृतसर से डिब्रूगढ़ है, और पहली गाड़ी जो धनबाद से फिरोजपुर है 3307-8 ये दिल्ली चलेगी। टोटल अभी 80 गाड़ियाँ जो हैं और 12 तारीख से शुरू की जा रही हैं, और वो बाकी डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग हैं, अम्बाला पासिंग तो ये 2 ही ट्रेन हैं। वैसे तो पब्लिक को खुद अपने आप की सुरक्षा करनी है, अपना सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करना है, मगर हम लोग गाड़ी जाने के बाद या प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज कराते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता है अकॉर्डिंगली उसको सैनिटाइज करा दिया जाता है। जो बोर्डिंग पैसेंजर्स हैं उसकी जिम्मेवारी रेलवे की है, हमने अपना स्टाफ लगा रखा है, जो पहले तो कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही सिर्फ अंदर आना अलाउड है, उसके बाद उनका मेडिकल स्कैन, टेम्परेचर स्कैन किया जाता है, दोबारा से फिर टिकट उनको कन्फर्म है कि नहीं उसको चेकिंग करने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाज़त दी जाती है।